नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पबजी की। पबजी गेम तो आप सबने खेला होगा या तो सुना तो होगा ही। पबजी गेम किसने बनाया, कैसे बनाया और क्यों बनाया, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ आखिरी तक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संतोष रावत और आप देख रहे हैं एंटीक डायरीज। तो आज हम बात करेंगे ब्रैंडन ग्रीन की। ब्रैंडन ग्रीन वो शख्स है जिसने पबजी बनाया। ब्रैंडन ग्रीन करियर की शुरुआत में ये एक फोटोग्राफर थे और डीजे के तौर पे काम किया करते थे, और साथ ही साथ ये पार्ट टाइम वेब डिजाइनिंग भी किया करते थे। ब्रैंडन ग्रीन का जन्म 29 मार्च 1976 में आयरलैंड में हुआ था। ब्रैंडन ग्रीन शादियों और पार्टियों में फोटोग्राफी किया करते थे और साथ ही साथ वेब डिजाइनिंग से अपनी लाइफ काट रहे थे, और कभी कभी ये डीजे भी बन जाते थे। इनका कोई भी एम नहीं था, लेकिन इन्हें फोटोग्राफी का शौक था, इसलिए इन्होंने ब्राजील जाने का फैसला किया, जिसके बाद ये ब्राजील में फोटोग्राफी करके अपना गुजारा करते थे। फिर इनकी मुलाकात एक लड़की से हुई। ब्रैंडन ने उससे शादी कर ली, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इनकी शादी बस 2 साल ही चली और इनका और इनकी वाइफ का डिवोर्स हो गया। यही टाइम था जब ब्रैंडन की लाइफ में स्ट्रगल शुरू हो गया था। वो कहते हैं ना, जब इंसान की लाइफ में एक दरवाजा बंद हो जाता है तो ऊपर वाला उसकी लाइफ में दूसरा दरवाजा खोल देता है। ऐसे ही ब्रैंडन की लाइफ में हुआ। 2013 में ब्रैंडन ब्राजील में थे, वे वहीं फंस गए थे क्योंकि उनके पास सारे पैसे खत्म हो गए थे और वे बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे थे। उस वक्त ब्रैंडन पे इतने भी पैसे नहीं थे कि वे प्लेन से अपने घर जा सके, इसलिए ब्रैंडन ने टिकट खरीदने के लिए पैसे इकट्ठा करना शुरू कर दिया। फिर ये अपने कमरे में ही वीडियो गेम खेला करते थे, और यही समय था जब उन्होंने गेम खेलना शुरू किया ताकि उनका टाइम पास हो सके। तभी से इनका इंटरेस्ट ऑनलाइन गेमिंग की तरफ बढ़ गया। ये कोई गेम डेवलपर नहीं थे। 2014 में इन्होंने अपने प्लेन के टिकट के पैसे इकट्ठा करके ये वापस अपने घर आयरलैंड चले गए। लेकिन अभी भी इनकी लाइफ में मुश्किलें थमी नहीं थी। इनके पास अब पूरे पैसे खत्म हो गए थे और ये गरीबी की जिंदगी जी रहे थे, और इन्हें कोई भी जॉब नहीं मिल रही थी, और ये वेलफेयर के पैसों से, यानी आयरलैंड में जो बेरोजगार होते हैं उसे गवर्नमेंट अपने खर्चे के लिए कुछ पैसे देती है, उसी पैसे से ये अपना गुजारा कर रहे थे। उन्हें लगता था कि उनकी लाइफ खत्म हो चुकी है। अब ब्रैंडन की उम्र 40 साल हो गई थी और ना इन पे पैसा था ना जॉब, और ऊपर से इनका तलाक भी हो गया था और ये अपने पेरेंट के घर में रहते थे। अब ब्रैंडन पे करने के लिए कुछ नहीं था, तो उन्होंने फ्री गेम्स के मोड बनाना शुरू कर दिया। ब्रैंडन को एक जैपनीज मूवी बैटल रॉयल बहुत पसंद थी। इस मूवी में दिखाया गया था कि एक आइलैंड में कुछ लोग ज़ॉम्बी से कैसे सरवाइव करते हैं। ब्रैंडन को ये कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया, तो ब्रैंडन ने एक ऑनलाइन गेम आर्मर 2 इस मूवी से इंस्पायर होकर ये गेम बना दिया। उसके बाद ये गेम के डिजाइन और कोडिंग करना भी सीखने लगे। अब जो ब्रैंडन ने आर्मर 2 का गेम बनाया था तो वो काफी फेमस हो गया। इसके बाद ब्रैंडन को सोनी ऑनलाइन एंटरटेनमेंट की तरफ से कॉल आई, जिन्होंने ब्रैंडन को गेम कंसल्टेंट के तौर पर हायर करने की बात की। ये बात सुनकर ब्रैंडन बहुत खुश हुए। ब्रैंडन ने सोनी के साथ 2 साल तक H1Z1 मोंटेक्स गेम पे काम किया। 2016 में साउथ कोरिया की कंपनी ब्लू होल ने ब्रैंडन से कॉन्टेक्ट किया और इनसे बैटल ग्राउंड गेम बनाने के लिए ऑफर किया, जिसके बाद ब्रैंडन साउथ कोरिया चले गए। पबजी का फुल फॉर्म होता है प्लेयर अननोन्स बैटल ग्राउंड। प्लेयर अननोन असल में ब्रैंडन का नाम था जो ये ऑनलाइन गेम खेलते हुए यूज किया करते थे। फिर इन्होंने इसी नाम पे पबजी का नाम रख लिया और यहीं से इन्हें लाइफ में सक्सेस मिलना शुरू हो गई थी। दिसंबर 2017 में पबजी को माइक्रोसॉफ्ट विंडो के लिए लॉन्च किया गया और 2018 में प्लेस्टेशन और एक्सबॉक्स के लिए किया गया, और इसके बाद पबजी गेम की सेल बढ़ गई।
जिससे ब्रेंडन हैरान रह गए। सिर्फ 1.5 साल में इसके 5 करोड़ कॉपी बिक चुकी थी और मोबाइल में लोग इसे 200 मिलियन से भी ज्यादा डाउनलोड कर चुके थे। अब ब्रेंडन की लाइफ पूरी तरह चेंज हो गई थी और जब ये गेम एंड्रॉइड के लिए आया तो ये बहुत ज्यादा वायरल हो गया और आज ब्रेंडन के पास इतना पैसा है ये जान के आप हैरान रह जाओगे। जो शख्स पहले वेलफेयर के पैसों पे जिया करता था उसी इंसान की आज नेटवर्थ 5 बिलियन डॉलर है, मतलब 38,000 करोड़ रुपीस। ब्रेंडन आज 44 साल के हैं और एम्स्टर्डम में रहते हैं और इतना पैसा आने के बाद भी ये सिंपल लाइफ जीना पसंद करते हैं। ब्रेंडन ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो जितना भी पैसा कमाते हैं उस पैसे को अपने से ज्यादा वो अपनी बेटी पे खर्च करना चाहते हैं। इस स्टोरी से ये पता चलता है कि आपकी एज कितनी भी हो आप किसी भी एज में सक्सेस हासिल कर सकते हो और आपका एक आइडिया आपकी लाइफ बदल सकता है। तो दोस्तों, आपको ब्रेंडन ग्रीन की ये मोटिवेशनल स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स में हमें जरूर बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।